हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। स्टॉक देख सकते हैं हम 20 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक में रिजेक्शन फेस किया, गिरावट दिखाई। इससे पहले भी स्टॉक ने सेम लेवल से रिजेक्शन फेस किया था और गिरावट दिखाई थी, लेकिन ओवरऑल स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर नज़र डाले और जेपी पावर के ट्रेंड को देखे तो पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है। जंप के बाद गिरावट, अगेन जंप, हाई ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई, छोटी मोटी जंप आया, हाई ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई, जंप आया, हाई ब्रेकआउट, अगेन यहाँ से गिरावट आई है। तो स्टॉक ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो रहा है। इस बाउंस बैक के साथ जेपी पावर अपने हाई को, इस रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इस वक्त स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन में है, 20 रुपीज़ का जो लेवल है इसका रेजिस्टेंस जोन है। और हम देख सकते हैं गिरावट आती है तो 19 रुपीज़ का जो लेवल है, 18 रुपये 80 पैसे, 19 रुपये का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है, और नीचे की ओर तगड़े सपोर्ट का काम करेगा 17 रुपये 60 पैसे का लेवल। जब तक इसके ऊपर है जेपी पावर में अपसाइड के चांस बने हुए। देख सकते हैं स्टॉक ने गिरावट के साथ सेम सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेगी, क्योंकि स्टॉक अपने सेम सपोर्ट से बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। पूरे चांस बनेंगे इस हाई के ब्रेकआउट के। अब बात करें टारगेट की, तो इमीडिएट जो टारगेट रहेगा ये जो इसका हाई है जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, 21 रुपीज़ का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 22 रुपये 40 पैसे का लेवल, और इस बाउंस बैक के साथ जेपी पावर में 24 रुपीज़ तक के टारगेट हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से स्टॉक अपने जेपी पावर जो है अपने रिसेंट हाई का ब्रेकआउट करते नज़र आ सकता है, क्योंकि सेम सपोर्ट से रिटेस्ट करके स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। वैसे कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।